दोस्तों, दुनिया में कई सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों का पर्दा तो हटा लिया है, लेकिन दुनिया का कुछ रहस्यजनक चीज़ों से अभी तक कोई पर्दा नहीं हटा पाया है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं उन रहस्यों के बारे में जो अभी तक लोगों के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। मैं तारकेश्वर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल एक कीड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की सोन भंडार गुफा। बिहार के राजगीर में स्थित सोन भंडार गुफा सोने का भंडार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में बिंबिसार ने अपने सोने के खजाने छुपा रखे हैं। उस समय बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु ने उसे कैद कर यहीं रखा था। बिंबिसार को धन और वैभव का बहुत शौक था और उनका वह संग्रह भी करता था। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने अपने बेटे पत्नी से एक खास जगह उन सोने के खजानों में छिपा दिया। इस गुफा में उस खजाने को नक्शा और संबंधित जानकारी तो संकलिपि में लिखी गई है, लेकिन उसको एनक्रिप्ट कर लिखा गया है। आज तक उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सका है। दोस्तों, अंग्रेजों ने तोप के इसके मुख्य द्वार को उड़ाने की कोशिश की, आगे उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए आगे की योजना टाल दी गई। या यूं कहिए नक्शा समझ नहीं आया। कैसे समझ आता, नक्शा बना ही है ऐसा। इस गुफा के पास एक और गुफा है जिसमें जैन मूर्तियां बनी हैं। उन मूर्तियों में एक विष्णु जी की मूर्ति भी मिली है जो अधूरी बनी है। उसको क्यों अधूरा छोड़ा गया और इस गुफा में वह खजाना कहाँ है, यह तो आज तक रहस्य है। ज्ञानगंज का रहस्य। हिमालय में कहीं स्थित एक ऐसा जगह है जो हमारी पूरी दुनिया से अलग है और किसी मानव की दृष्टि के नज़र के परे है। इसको अंतरिक्ष से भी नहीं देख सकते हैं और न ही इसके स्वरूप को महसूस किया जा सकता है। ज्ञानगंज वह जगह है जहां कोई मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। इसको सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, सांगरीला या समलाम्बा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी आता है। दोस्तों, ज्ञानियों के मुताबिक यह एक दूसरे स्तर पर ऊंचे आयाम पर स्थित है। यह है तो पृथ्वी पर, लेकिन यह सामान्य लोगों को दूसरे स्वरूप में दिखता है। यहाँ कोई सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता है, सिर्फ उच्च अत्याधुनिक ज्ञान वाला ही जा सकता है और उसको सिद्ध लोग लेकर ही जाते हैं। जहाँ हमारा संसार तीन आयाम पर आधारित है, यह चौथे आयाम पर आधारित है। आज वैज्ञानिक जहाँ अणु से ऊर्जा निकालने सक्षम हुए हैं, वहीं ज्ञानगंज के सिद्ध ऊर्जा से अणु बनाने में सक्षम है। स्वामी विशुद्धानंद के मुताबिक यह पूरा विज्ञान सूर्य और चंद्र विज्ञान पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया है कि हर अणु सूर्य किरण से बना है, तो यदि अणु का सूर्य किरण से तब्दील ला दे तो अणु अपना स्वरूप बदल लेता है। इसके बारे में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक सिद्ध भूमि ज्ञानगंज में उल्लेख किया है। गोपीनाथ कविराज ने अपने गुरु विशुद्धानंद के अनुभवों को ही लिखा है। ज्ञानगंज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने का कोई ठोस परिणाम तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में अलग अलग लोगों ने बहुत सा लिखा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित एक जगह है जो झीलों से घिरा है, जिनमें शुद्ध जल और इसी पर स्थित एक पुल है जो इस संसार को ज्ञानगंज से जोड़ता है। यही वो पुल है जो सूर्य विज्ञान की चीज़ों का आयाम बदल देता है। वैसे यदि ज्ञानगंज भी है तो हम लोग इसको देख नहीं सकते और बिना देखे ऐसे किसी जगह के बारे में विश्वास के साथ बोल पाना मुश्किल है। इसके विवरण बहुत तिलिस्मी लगते हैं। जो भी है, बहुत लोगों ने लिखा है इसके बारे में, तो आप लोग तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल वाली घंटी दबा देना ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।